आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास से जुड़े कोई भी एक्सपीरियंस इमोशन आपको बार बार याद आते हैं और सताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। तो दोस्तों, क्या आपने ये सब सोचने में समय को बर्बाद किया है? मैंने भी किया है दोस्तों। तो कैसे अपने माइंड को ये सब सोचने से रोके और अपने माइंड का कंट्रोल खुद अपने हाथ में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ 5 कुछ ऐसे टिप्स जो अगर आपने डेली लाइफ में इस्तेमाल किए तो आप इन्हीं नेगेटिव इमोशंस से कम चपेट में आओगे। टिप नंबर 1 गाइस, स्टार्ट लाफिंग। दोस्तों, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। हमारे माइंड में, बॉडी में एंड्रोफिन होते हैं। एंड्रोफिन हमें फ्रेश और हेल्दी फील करने में मदद करते हैं। वो हमें हमारे नेगेटिव थॉट्स से बचाते हैं और हमें एनर्जेटिक और फ्रेश फील कराते हैं। दोस्तों, हमेशा फ्रेश फील करने के लिए, हैप्पी फील करने के लिए हमें हंसते रहना चाहिए। टिप नंबर 2 गाइस, रिकॉल योर हैप्पी मूड। दोस्तों, हम अक्सर उन ख्यालों में खोए रहते हैं जो हमें बहुत दूर देते हैं। तो क्या करें, कैसे इन सबसे बाहर निकले, कैसे अपने आप को नेगेटिव इमोशन से दूर लाए। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा इलाज ये है कि आपको अपने पास्ट मेमोरीज को, जो अच्छे है हैप्पी मेमोरीज को याद करना चाहिए। अच्छे पास्ट मेमोरीज को याद करने से आप हैप्पी फील करने लगेंगे और नेगेटिव इमोशन आपके पास भी नहीं बढ़ेंगे। टिप नंबर 3 गाइस, स्टे अराउंड cheerful people। दोस्तों, नेगेटिव इमोशंस की बात की जाए तो वो आते हैं नेगेटिव थॉट्स से, और नेगेटिव थॉट्स की बात की जाए तो वो आते हैं नेगेटिव लोगों से। दोस्तों, हमें कम से कम वक्त नेगेटिव लोगों में रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त उन लोगों में रहना चाहिए जो हंसने में और हंसाने में बिलीव करते हैं। टिप नंबर 4 गाइस, एक्सरसाइज डे। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। वो ना ही आपको फिट रखता है बल्कि एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में डोपामीन और एंडोर्फिन भी होती है, उससे आपकी बॉडी हैप्पी और फ्रेश फील करती है। दोस्तों, ना ही बस फिट रहने के लिए बल्कि नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए और हमेशा हैप्पी फील करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। टिप नंबर 5 गाइस, क्वेश्चनिंग योर थॉट्स। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इन्हीं नेगेटिव थॉट्स से हम भरे पड़े रहते हैं। हम कैसे हम इन नेगेटिव थॉट्स को अपने आप में हावी होने से रोके, कैसे हम इन नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर करें, नेगेटिव इमोशंस को अपने आप से दूर करें, हमें बस एक चीज करनी है। हमें 3 वर्ड्स उन नेगेटिव थॉट्स को बोलने हैं, हमारे माइंड को बस 3 वर्ड्स बोलने हैं। तो वो 3 वर्ड्स कौन से हैं दोस्तों? हमें कहना है उन्हें, इज दिस यूजफुल। अगर आपने अपने माइंड को बोले तो आप इन्हीं नेगेटिव थॉट से बच सकोगे कि आपके माइंड को फिर समझ में आ जाएगा कि क्या ये नेगेटिव थॉट सच्ची में हमारे जरूरी है, क्या ये हमारे किसी फायदे के हैं। या आप अपने माइंड को पूछोगे तभी माइंड उसे डिफाइन करेगा और कह देगा कि नहीं, ये हमारे किसी भी काम के नहीं है और फिर बाहर फेंक देगा। दोस्तों, ये रहे 5 ऐसे टिप्स जिससे आप नेगेटिव इमोशंस को अपने आप से दूर रख पाओगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ये घंटा है ना, इस घंटे को दबाना है, और इस घंटे को दबा के आपको पता ही आप क्या हो जाओगे। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way.